हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम एच पी टैट नॉन मेडिकल के जून 2024 के पेपर में आए हुए केमिस्ट्री पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 बिलो मेंशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट विल हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज सही आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन सी सोडियम नेक्स्ट है क्वेश्चन ब्रॉन्स इज एन अलाय ऑफ सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कॉपर एंड टीन नेक्स्ट है वन ट्वेंटी थ्री द डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड सही आंसर इसके लिए रहेगा ऑप्शन बी पायरोलिसिस नेक्स्ट है इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑप्शन बी एस टू गैस विच ऑफ दी फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन नेचर इफ इनहेल्ड इन एक्सेस एंड हैज रोटन एग लाइक स्मेल सही आंसर इसके लिए रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन सी विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑफ क्लोरिन डू नॉट अंडर गो डिसोपोर्शन रिएक्शन सही आंसर डी नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन इज एसोसिएटेड विद वेव करेक्टर दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय सही आंसर रहेगा लुइस डी ब्रॉगली ऑप्शन बी नेक्स्ट है Which of the following element has highest electron gain enthalpy in the periodic table? Sahi so answer C chlorine. Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of the gases contain equal number of molecules, this statement is sahi so answer B Avogadro law. ऑप्शन बी ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिजॉलिंग फोर ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इनफ वाटर टू फॉर्म टू फिफ्टी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन बिल बी सही आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन बी जीरो पॉइंट फोर इन दी फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म इज ए आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट ए सही आंसर एसिटिक एसिड विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांस वेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली ऑप्शन डी विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिप्रजेंट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ कॉपर एटम इज सही आंसर ऑप्शन एन थर्टी फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टूगैदर वे वन ग्राम सही आंसर हैीरोक्ट ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एसिड फॉर द बेस इज रहेगा एल एच थ्री ऑप्शन ए 137 थर्टी सेवन फास्फोरस एंड सल्फर कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर एस सही आंसर रहेगा आइसोटोन्स थर्टी एट विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वन थर्टी एट के लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी रोमिन इन ऑर्डर टू रिमूव ए गैंग पार्टिकल फ्रॉम पाउडर सिल्फाइड और ड्यूरिंग कंसनट्रेशन ऑफ और विच ऑफ दॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली यूज सही आंसर रहेगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉयस्टर फ्रॉम लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग द ग्रीन कलर्स कोटिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बिच कंपाउंड इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सप्लीमेंट ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल वट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑप्शन ए वन फोर्टी थ्री हीलियम गैस इज़ फिल्ड इन ए सिलेंडर ऑफ टू लीटर कपैसिटी एंड इट कंटेंट ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर इन टू ट पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हीलियम गैस प्रेजेंट इन ए सिलेंडर सही आंसर टू मोल्स वन फोर्टी फोर नंबर ऑफ एल्यूमिनीयम आयन प्रेजेंट इन जीरो पॉइंट जीरो वन सॉरी जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन ग्राम ऑफ एल्युमियम ऑक्साइड इज सही आंसर है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेनिस्ट पावर ट्वेंटी आइंस वन फोर्टी फाइव विच ऑफ दिलीमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर सही आंसर डी फास्ट फोर्ट वन फोर्टी सिक्स वैन सी ओ टू इज पास टू लाइम वाटर सोल्यूशन दैन सॉल्यूशन टी डू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली तो सही आंसर रहेगा इसके लिए वन फोर्टी सिक्स के लिए ऑप्शन सही है डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्सियम कार्बोनेट वन फोर्टी सेवन मैच करना है इनको सही आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा ए। एनिलिन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलिन वाटर मिक्सचर बाय विच ऑफ फॉलोइंग मेथड सही आंसर रहेगा बी स्टीम डिस्टिलेशन 149 salt is obtained from seawater by the process of sahi so answer evaporation 150 what is oxidation state of potassium in compound ko2 potassium superoxide sahi so answer option a +1 thank you